रियल दुनिया। असली जिंदगी में कैसे हैं अभी राकेश देवर? मंथन संग एक दिन। सास बहू और बेटियां में आज हम बिताने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आर्यन पोद्दार यानी कि मंथन संग पूरा एक दिन। हम जानेंगे आर्यन यानी कि मंथन के बारे में ढेर सारी बातें। जाएंगे मंथन सेठिया संग गार्डन, देखेंगे उनकी एक्टिविटीज। रियल लाइफ में कितने संस्कारी है मंथन ये हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ करेंगे आर्यन की रियल फैमिली से भी मुलाकात। तो चलिए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत सीधा मंथन से करके ये खास मुलाकात। भाई सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शूटिंग से आज मंथन को ब्रेक मिला है और अपने इस छुट्टी वाले दिन को वो सास बहू और बेटियां संग बिता रहे हैं। सो दिन की शुरुआत हो गई है और ये रिश्ता के नए हार्ट ड्रॉप मंथन हमारे साथ है। मंथन आज हम हमारा दिन आपके साथ बिताने वाले हैं, कितना हैपनिंग होता है इनका दिन, आइए इनसे जानते हैं। सो ऑफ कोर्स जिस दिन मैं शूट नहीं कर रहा होता उस दिन आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सबसे पहले ऑब्वियसली एक्सरसाइज विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड आज हम फुटबॉल खेलने वाले हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करने वाले हैं, देन मे बी विल गो एंड ईट समथिंग एंड या इट विल बी फन। सो देखते रहिए क्या होगा। सो यूजुअली जब शूट करते हैं मंथन तो किस तरह का होता है, कितना बिजी स्केड्यूल होता है? वही है, बस सुबह सुबह जल्दी उठना, पता भी नहीं रहता कहाँ है किधर है, बस फटाफट रेडी हो और चलो शूट पे। एंड देन शूट पे तो आपको पता ही है पूरा दिन वहाँ पे बिजी रहते हैं, घर आने के बाद ये थक जाते हैं कि सो जाते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि पूरा दिन कहाँ चला गया, ऐसा होता है जी। सो अभी हम कहाँ आए हैं और कुछ बॉल देख रहे हैं हम, आज हम सारे स्किल्स देखने वाले हैं मंथन के, जो कि ज़्यादा नहीं है बट कोई बात नहीं। ओके सो वी आर इन मीरा रोड राइट नाउ, हम एक पार्क में, यहाँ पे हम थोड़ा फुटबॉल और थोड़ी एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो चलिए लेट्स गो। जब मैंने फुटबॉल चालू किया था, मेरी सोसाइटी में ही चालू किया था, और 8 साल के बच्चे थे मेरे साथ मैंने उनके साथ फुटबॉल चालू किया था, तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, ज़ीरो। आई यूज़ टू प्ले अ गेम फुटबॉल वाली, बस वही आता था। उसके बाद मैं स्टार्टेड प्लेइंग एक्चुअली में, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता रहा एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली प्रोग्रेस होता रहा एंड फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा। देन आई स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल जो कि मैं पहले नहीं देखता था, एंड करते करते इतना इंटरेस्ट बन गया कि अभी आई हैव सो मच नॉलेज अबाउट फुटबॉल। एक ही टॉपिक है जिसके बारे में बहुत नॉलेज है मुझे। सो या दैट वाज माय स्टोरी अबाउट फुटबॉल। एंड इफ़ वी कैन से कि अगर फुटबॉल में मुझे अगर 100% फुटबॉल अच्छी लगती है तो उसमें 50% एक ही प्लेयर अच्छा लगता है, वो है हमारे अर्जेंटीना के द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम मेसी ऑफ कोर्स। एंड इनकी वजह से मैं फुटबॉल देखता हूँ एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल उनकी वजह से, एंड He's the best player you can say. Of course he is. And अभी जो थोड़े टाइम पहले वर्ल्ड कप हुआ था, थोड़े टाइम नहीं 2 साल पहले एक्चुअली, एंड वी वॉन द वर्ल्ड कप विच वॉज़ वेरी नाइस। मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था जो मैंने देखा था, एंड आई वॉज सपोर्टिंग अर्जेंटीना एंड हम लोग जीत गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। तो अभी गाइज हमारा वार्म अप तो हो ही चुका है फुटबॉल के साथ, नाउ इट्स टाइम टू एक्सरसाइज, चलिए एक्सरसाइज करने चलते हैं।
सो गाइज, अभी हमने बहुत सारी चीज़ें की. सबसे पहले हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, फिर हमने थोड़ी योगा किया, एंड हमें कुछ लोग मिल गए बैडमिंटन वाले. एंड सीक्रेट टैलेंट, मुझे बैडमिंटन भी खेलना आता है, तो हमने थोड़ा बैडमिंटन भी खेला. एंड एक्सरसाइज ऑब्वियसली करनी पड़ती है टू स्टे इन शेप. तो हाँ, एक्सरसाइज हो गई एंड योगा, तो ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड ऑल. सो या, भाई मंथन के पापा चाहते थे कि उनका बेटा इस इंडस्ट्री में काम करे, एक्टिंग करे. वैसे तो मंथन राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन अब मुंबई में है उनका बसेरा. करें उनके पहले शो की, तो वो रामसिया के लव कुश में तक्षक के किरदार में नजर आ चुके हैं और अब वो सीरियल ये रिश्ता में नजर आ रहे हैं. तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके करियर की ये कहानी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड सूरतगढ़ इन राजस्थान. एंड हमारी फैमिली में हम टोटल 5 लोग हैं, मी, माय सिस्टर, मॉम, डैड एंड माय दादी. सो आफ्टर दैट हम लोग, मैं मुंबई आया था यहाँ पे 8 साल पहले. एंड यू कैन से वो मेरा सपना नहीं था, इट वॉज़ माई डैड सपना, बिकॉज ही वॉज़ एन एक्टर बिफोर. मुझसे पहले ही डिड इन द पंजाबी इंडस्ट्री, तो उनको कहीं ना कहीं ये कीड़ा था कि अपने बेटे को बॉलीवुड में डालना है. तो फॉर दैट ही केम टू मुंबई विद मी 8 साल पहले. एंड फिर हम लोग बहुत अप्स एंड डाउन्स करते थे, बारी बारी आना, बारी बारी जाना, एंड ऑडिशंस देते थे, बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं हो पाया. एंड यू कैन से आई डिड 3 ईयर्स ऑफ स्ट्रेट अप स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल किया था क्राउड में और उसमें. एंड वन डे सडनली माई फर्स्ट रोल, आई गॉट कॉल्ड अप फॉर तक्षक इन रामसिया के लवकुश, जो कि स्वास्तिक प्रोडक्शन का था. रैंडमली आई वॉज इन जयपुर वन डे एंड रात को 11 बजे उनका कॉल आता है कि हाई, वी नीड टू सेलेक्ट यू फॉर तक्षक. तो वी गॉट रियली एक्साइटेड, बट फर्स्ट हमें लगा कि कोई स्कैम होगा, बिकॉज एकदम रैंडमली हमें कोई जानता नहीं था एंड सडनली उनका फ़ोन आता है स्वास्तिक प्रोडक्शन का. तो या, पहले हमें बिलीव नहीं हुआ, फिर जब वहाँ पे शूटिंग किया मैंने पहली बार, देन मुझे लगा कि हाँ कुछ तो बात है. उसके बाद में मेरे पापा ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, मैं और मेरे पापा यहीं पे शिफ्ट हो गए. तो हमारे यू कैन से 2 घर बन गए थे, एक यहाँ जयपुर में, एक यहाँ मुंबई में. और मुंबई में आने के बाद भी ऐसा नहीं था कि मुझे काम मिलने लग गया, तब भी मैंने बहुत स्ट्रगलिंग की. एंड धीरे धीरे हमारी प्रोफाइल बिल्ड होती गई एंड चालू होता गया काम आना. एंड धीरे धीरे एक्टिंग में भी इम्प्रूवमेंट आता रहा. सो या, अब मैं यहाँ पर हूँ, ऑल थैंक्स टू माई डैड. एंड अभी ऑफ कोर्स आई मीन ये रिश्ता क्या कहलाता है एज आर्यन पोदार, एंड इट रियली बहुत अच्छा लगता है देख के, बिकॉज किसी को पता नहीं है बट एक्चुअली मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं पहले भी था प्रीवियस जनरेशन में, ये किसी को पता नहीं है. आई डिड अ कैमियो फॉर 2 डेज, आई वॉज अ बुली ऑफ आई गेस द किड, जो बच्चा था पिछली जनरेशन में, लेकिन एक जो पता नहीं है ना मैंने बताया था. तो या, बहुत अच्छा लगता है ऐसे शो में काम करना, ऑब्वियसली इतनी अच्छी टीम है, इतना अच्छा शो है. तो या भाई, मस्ती और एक्सरसाइज तो बहुत हो गई, अब बारी है पेट पूजा करने की. लेकिन उससे पहले रास्ते में मंथन को दिखा मंदिर और वो पहुंच गए भगवान जी के दर्शन लेने के लिए. ओके गाइज, अब हमने एक्सरसाइज, फुटबॉल और योगा तो कर लिया, अब एकदम पूरा फ्रेश एंड एक्टिवेट हो चुके हैं आप कह सकते हैं. एंड हमारे पास में एक शिव जी और पार्वती जी का एक मंदिर है, तो हम वहाँ पे थोड़े दर्शन भी कर लेते हैं.
दोस्तों, अभी हमने भगवान जी की पूजा तो कर ली है, अब थोड़ी भूख लगी है तो थोड़ी पेट पूजा भी कर लेते हैं। तो चलिए अब कुछ खाने चलते हैं, लेट्स गो। भगवान की पूजा के बाद अब बारी है पेट पूजा की, और आज तो है मंथन का चीट डे, इसलिए वो पहुंच गए हैं स्ट्रीट फूड का मजा उठाने के लिए और खा रहे हैं अपनी फेवरेट डिश। मेरे घर के पास वाले चाट भंडार में आ चुके हैं। यहाँ पे अभी हमने इतनी एक्सरसाइज, योगा और फुटबॉल खेली, उसके बाद में ऑफकोर्स खाना तो बनता है। तो अभी मैंने दी है कचौड़ी भाजी वाली, एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान, लाइक मेरा बचपन राजस्थान में गया है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। एंड हाँ, यूजुअली जब शूट होते हैं तो ब्रेकफास्ट में मम्मी जो भी बनाती है वो मैं खा लेता हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स मम्मी का खाना है, ठीक है। एंड आज चीट डे कह सकते हैं आप, इसलिए आज सुबह सुबह मैं ये खा रहा हूँ, वरना मोस्टली मैं बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो या लेट्स डिग इन। कचौड़ी तो बहुत अच्छी है, ऑफकोर्स कचौड़ी भाजी वाली, एंड दिस इज़ यू कैन से जो टॉप 5 फूड्स आते हैं उनमें से उन टॉप 5 में है, बिकॉज बचपन में मैंने बहुत कचौड़ी खाई है राजस्थान में, एंड यहाँ पे आके मैं इतना मिलता नहीं है यहाँ पे वैरायटी इस चीज़ की। एंड एक बारी मैं मथुरा गया था, जहाँ पे मैंने पहली बार ऐसे भाजी वाली कचौड़ी ट्राई की थी, मथुरा गया था मैं शूट के लिए, एंड इट वॉज़ अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। और अब ऑब्वियसली बचपन से वहाँ राजस्थान में था मैं, तो इसकी आदत लग चुकी है, तो जब भी कचौड़ी का नाम सुनता है मज़ा आता है कि यस आई नीड कचौड़ी। गाइज अभी क्राइम कर ही दिया तो अब थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, ऑब्वियसली चीट डे मना रहे हैं, पूरा ही मना लेते हैं। सो लेट्स हैव समथिंग स्वीट। सबसे बढ़िया डिश जिसको मैं कहता हूँ स्वीट में, जलेबी। तो चलिए जलेबी ले लेते हैं थोड़ी सी, एंड एंजॉय करते हैं उसे। वैसे मंथन को खाने का मन किया गर्मा गर्म जलेबियाँ, इसीलिए वो पहुंच गए खुद ही जलेबी बनाने के लिए। देखो गाइज, खाना तो बहुत इजी है जलेबी, लेकिन बनाना बहुत हार्ड है, तो आज आई ट्राई जलेबी कैसे बनती है देखते हैं, एंड आज मैं खुद ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं कैसे बनने वाली है मुझसे। ये भैया ने बनाई है जलेबी और ये मैंने बनाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर है, इट्स वेरी सेम। आप बता ही नहीं सकते कौन सी इन्होंने बनाई है कौन सी मैंने बनाई है, इतनी अच्छी बना दी है मैंने। अब इनको चाशनी में डालना है ना, ओके तो अभी इसको थोड़ी देर पकने देंगे। नाइस, तो गाइस हमारी जलेबीज तो पक चुकी है, अब उन्हें हमने चाशनी में भिगो दिया है, अब बस उन्हें सोख होने देंगे थोड़ी देर में, एंड हमारी जलेबी रेडी होने ही वाली है। इसके बाद हम आपको अपना डिज़ाइन दिखाएंगे जो हमने बनाया बहुत अच्छा जलेबी का, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इस शेप को नया नाम दे देते हैं, दिस इज़ द मंथन स्टाइल जी। देखिए एक्चुअली ये वर्ल्ड मैप की तरह लग रहा है, कुछ भी बोलो हाँ। यहाँ से ही देखो, ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा अमेरिका, तो हाँ ये देखिए गाइस फ़र्क, ये मेरी वाली है ये भैया ने बनाई है। दिख रहा है आपको डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छी बनाई है मैंने, थैंक यू सो मच। तो गाइज हमने अब जलेबी और कचौरी तो खा ली है, हमारा चीट डे अच्छे से मना लिया है, अब बारी है घर जाने की, एंड घर पे मैं अपनी सारी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, तो लेट्स गो। तो भाई बहुत सारा फन कर अब बारी है घर जाने की, जहां हम करेंगे आर्यन की रियल फैमिली से मुलाकात।
तो गाइज वेलकम टू माई होम, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सेकेंड लेट मी क्लोज द डोर। हाँ, तो ये है मेरा लिविंग एरिया एंड यहाँ पे मेरा एक छोटा सा टेडी है एंड मेरा गिटार जो कि मैं अभी सीख रहा हूँ, मे बी लेटर ऑन आई विल प्ले इट फॉर यू। तो हाँ जी, ये है हमारा लिविंग रूम, यहाँ पे हम चिल करते हैं, सामने मूवीज देखते हैं एंड या दैट्स इट। वैसे घर पहुँचते ही मंथन ने दिखाया अपना हिडन टैलेंट जो कि है गिटार बजाना। तो म्यूज़िक में लाइक मैं बहुत म्यूज़िक सुनता हूँ एंड आई डोंट नो लाइक गाने सुनते सुनते से इंटरेस्ट बन गया कि चलो गिटार ले लेते सीख लेते अच्छा लगेगा या फिर इट्स अ गुड स्किल टू हैव। तो हाँ, लेकिन वो स्किल अभी तक मैंने अचीव कर नहीं पाया हूँ एंड अभी मैं सीख रहा हूँ। तो भाई फैमिली से मुलाकात करने से पहले मंथन ने सोचा कि उनके लिए बनाई जाए ये स्वादिष्ट भेल जिसकी तैयारी में वो जुट चुके हैं और देखिए कैसे अपने हाथों से अपने परिवार के लिए वो चटपटी भेल बना रहे हैं। गाइस सेटअप के हिसाब से आप देख सकते हैं क्या बनने वाला है। आज मैं बनाने वाला हूँ भेल अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। यूजुअली ऐसी छुट्टी होती नहीं है बट अगर होती भी है तो मैं इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देता नहीं, लेकिन आज दे रहा हूँ तो आज मैं भेल बनाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। प्याज डालने के बाद में विल आई डाल भुजिया। इग्नोर द बीज, अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं, खा लेना, प्यार से बनाया गया ये। तो अब हमारी भेल रेडी हो चुकी है, अच्छे से मिक्स हो चुकी है एंड दिस इज़ माय स्टाइल ऑफ मेकिंग भेल एंड अब हम सबको सर्व करने वाले हैं अच्छे से और सबसे रिव्यू लेते हैं कैसी बनी है। तो भाई फाइनली करते हैं मंथन की फैमिली से मुलाकात। इनकी फैमिली में है इनकी दादी, पापा, मम्मी और बहन और ये है एक हैप्पी फैमिली। हियर दे आर, मीट माय स्वीट फैमिली। सबसे पहले है मेरी दादी, मेरी पापा की मम्मी ऑफ कोर्स दादी उसके बाद आती है मेरी प्यारी सी मम्मी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, द क्रिएटर ऑफ माय लाइफ। उसके बाद आते हैं मेरे पापा जी एंड ये है मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, मुझसे 8 साल बड़ी है बट हमारा ऐसा लगता है एक एक साल का फ़र्क है बस। परेशान तो ये घर पे वैसे बहुत ज़्यादा करता है, हम जब इसे सेट पे देखते हैं कि जैसे इसका मैं भेल नहीं दूंगा देख लेना जैसे इसका प्ले है वहाँ पे, वहाँ इसका बहुत एक अलग बिहेवियर होता है। सो घर पे इसका बहुत अलग चलता है। मंथन बहुत ही एनर्जिक बच्चा है, चंचल है और सबको एनर्जी देता रहता है घर पे, और सेट पे तो हम लोग देख ही रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि ये शो 5 साल तक चलेगा और अच्छा काम करेगा। मंथन बहुत नटखट है बहुत शैतान है और मुझे बहुत परेशान करता है सारा दिन, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत फूडी है लेकिन गुड है। ना मेरा बच्चा बहुत, मेरा पोता अच्छा है, बहुत ही अच्छा है मेरा पोता, ये तो स्वीट बच्चा है, बहुत ज़्यादा प्यार बहुत करता है मेरे को, रात को भी दिन को भी चैन नहीं आने देता मेरे को। देखा सिर्फ दादी सच बोलती हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। तो अब सबको भेल खिलाते हैं अच्छे से, मैं अपनी दादी को ज़्यादा देने वाला हूँ बिकॉज उन्होंने सच बोला। बताओ भाई कैसा बना? बहुत बढ़िया, ठीक है, नाइस। चलो ये बाकी सारा मैं खाऊंगा, किसी को नहीं देने वाला अब मैं। तो गाइज ये था मेरा आज का डे आउट विद सास बहू एंड बेटियाँ। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो, यू कैन से इन एंड आउट वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई होप आपको मेरा ये डे आउट बहुत अच्छा लगा हो एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस एंड रिश्ता कहलाता देखते रहिए 9.5 स्टार प्लस पर एंड या थैंक यू वेरी मच। तो
उम्मीद है आपने आर्यन पोद्दार यानी कि मंथन के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें और देखा होगा मंथन का दिनचर्या। उम्मीद है आर्यन बन यूं ही वो अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो करते हैं आपके साथ 24/7 एंटरटेनमेंट वाली पार्टी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी।